चुनावी साल है तो चुनावी चर्चावां दा जोर है लगातार इस तरह दीआं चर्चावां के अज फलाना लीडर फलानी पार्टी छड के दूजी पार्टी का हिस्सा बन गया इस तरह चर्चावां जोरां ते ने पर हुण एक वड्डी चर्चा कितें ना कितें चल रही है चर्चा किस नूं लैके सुखदेव सिंह ढींडसा ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा नूं लैके की चर्चावां ने साडे नाल सुखदेव सिंह ढींडसा खुद मौजूद ने ढींडसा साहब चर्चावां बड़ियां वैसे तो राजनीति दे विच कुछ भी हो सकदा कुछ भी सथाई नहीं है अज दोस्त कल दुश्मन ते बाद च परसों दोस्त अकाली दल च तुसी एक लंबी सियासत कीती और हुण एक बार फिर तो चर्चावां ने कि अकाली दल तो वक्ख होण तों बाद बेशक तुसी अपना वक्खरा अकाली दल संयुक्त खड़ा कीता पर हुण दुबारा तो कहिंदे अकाली दल का हिस्सा भी बन सकते ने ढींडसा साहब होणी यही तो असल स्टेटमेंट सानू ता ही देनी पई भी जदों उन्हां दे बंदे हुण जिन्हां नूं टिकट नहीं मिले जां निराश ने आना चाहते साढ़े जदों उन्हां कोल कोई जांदा तो वह कहते जी वह तो आप ही आ रहे ने ना साढ़े नाल कोई गल ना बात मैं ब्रह्मपुरा साहब नूं पुछिया कहिंदे मैनूं वी यही कही जांदे कि लोग मैनूं आ के कहिंदे तुसीं वापस जा रहे हो जी कहिंदा मैं कहा सवारी नहीं पैदा हुंदा यार असीं सिधांतक तौर ते अड होए आ साडी कोई जाति नाराज नहीं है असीं सिधांतक तौर ते अड होए आ और जिन्नी देर वो सिधांत नहीं ठीक होंदे साडा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा जाण दा इस करके नाले पंजाब दी राजनीति तुहानूं पता है भी डेली चेंज हो रही है कदे कोई पार्टी उपर नज़र आ रही है कदे कोई उपर आ रही है कदे कोई उपर आ रही है एक मैं तुहानूं दस्सदा एक पार्टी की सरकार इस स्टेट च नहीं बनेगी मैं अज मैथों लिखा के लै लो एक पार्टी की सरकार नहीं बनती तो जे एक पार्टी की सरकार नहीं बनगी तो फिर साढ़े ही ऐसी पार्टी होएगी जिहड़ी नाल किसी ना किसी तरीके किसी का समझौता हो सकता लेकिन असी कोई समझौते भी नहीं आता क्योंकि साडा असी कोई सिर्फ सरकार बनाने लिए नहीं कड हुए असी आए कि सिधांत के खिलाफ असी पंथक एजेंडे लैके तुरे हाँ और असी वो लोग जी श्रोमणी अकाली दल जी बादल कहते हैं हूँ उन्होंने सारा कुछ छड़ दिता जदों सुखबीर प्रधान बनया उन्हें सारे इशू छड़ के उन्हें सिर्फ तो सिर्फ पैसा बनाना और कारपोरेट सैक्टर की तरह चलाना और एक कारपोरेटर का जिम्मे हैड हों उस तरह की पार्टी चलाना इस करके सानू पसंद नहीं नंबर दो है कि कोई भी उत्थे जिहड़ा चंगी सोच का मालिक है अज भी जिहड़े उन्हां नाल बैठे ने उन्हां दे उत्थे दम घुट रहा है और उन्हां नूं पता भी साडे नाल भी बहुत बुरी तरह साडे नाल बिहेव होना है पर उन्हां दे आहिस्ता आहिस्ते उन्हां नूं यही कही जा रहे हैं जी कि जी वो तो वापस साडे कोल आ रहे हैं ना कोई गल ना बात ना साडा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता फिर गल उठी कितों जे कोई गलबात नहीं सी तां फिर चर्चावां छिड़ियां किवें नहीं यही तो मुश्किल है सानू समझ नहीं आ रही भी किवें चिड़िया क्योंकि उन्होंने जो हिल गया सारा कुछ ढांचा वह ढांचा हिलन लग्या ना हुण वह घबराहट चा के लगातार कहते बाकी पार्टियां चो लीडर टुट के साडे नाल अकाली दल शामिल हो रहे हैं तुहानू लगता कि ढांचा हिल रहा उपरले उपरले लैवल ते नजर आ रही है ना तुहानू जो लोगों बड़ोंगे उदो पता लगू तुहानू लोगों उन्होंने ये नहीं पता कि लोगों की हालत की है वो ठीक है सिक्योरिटी हैगी उन्होंने को सारा कुछ है तो वह हूँ जिमें गया है जिमें हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है कोई तालमेल की वैसे कोशिश हुई थोड़े नाल नहीं कोई तालमेल नहीं ना मैं तालमेल मेरे नाल तो सवाल ही नहीं पता उन्हें पता ही है भी वह किसी भी किस्म का परमिंदर जी नहीं परमिंदर परमिंदर तो मेरे तो दो कदम अगे है क्योंकि जिदन उन्हें वखरे होया उन्हें कहा कि जे आप हम वखरे हो लगे हाँ तो मुड़ के आप हाथ नहीं मिला मैं क्या बिल्कुल नहीं मिला मैं तेन गरंटी कर दूँ पोलीटल पार्टियां ढींडसा साहब अक्सर इदा दीजा देखने मिलती हैं कि अब बयान कुछ और दिता हाँ पर अगले दिन बयान बदल के नाल एक तर्क देता जाता चाहे तुम दिल्ली के आम आदमी पार्टी की गल कर लो पहला अरविंद केजरीवाल होने जो पहली बार सरकार बनाई है कांग्रेस ने गठजोड़ करके तो उस तो पहले उन्होंने साफ किया कि चाहे कुछ हो जाए कांग्रेस ने गठजोड़ नहीं करना पर करके फिर सरकार भी बनाई तो जे मान लो तुम कह रहे हो कि तुम डिसाइडिंग हो गए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पार्टी एक ऐसे स्थिति दे विच होएगी कि पंजाब दे विच जिस तरह तुसीं दावा कीता एक पार्टी सरकार नहीं आएगी तुहानूं लगता है कि तुहाडी पार्टी ऐसी पोजीशन दे विच होएगी कि तुहाडे समर्थन बिना सरकार नहीं बनेगी तुहानूं अजे लगता तो जे अकाली दल नेड़े ढुकदा तो फिर की तुसीं अकाली दल दे नाल गठजोड़ करो नहीं अकाली दल नाल नहीं सिधांतां दी ते साडा कोई समझौता नहीं जे कांग्रेस नेड़े ढुकदी है फिर नहीं नहीं कांग्रेस नाल भी नहीं कांग्रेस नाल साडी वैसे ही बणदी फिर की दे नाल गठजोड़ कर सकदे तुसीं आणे कि असीं बड़ियां पार्टियां डिसाइडिंग हो रोल चुनवांगे हुण साडे नाल पार्टियां रल रहीआं ने
कई पार्टियां आउणगियां, कई नैशनल पार्टियां भी आउणगियां साडे नाल, कई होर बहुत कुछ होना। अजे तां तुसीं अजे 6 महीने पए आ इलेक्शन च, तुसीं बराड़ साहब देखोगे भी की कुछ होना। आम आदमी पार्टी नाल भी कितने कितने गठजोड़ दीआं तुहाडीआं गल्लबात दीआं चर्चावां सी, उह चर्चावां अजे कितने कितने चल रहीआं ऐ कि उह पेज कित्थे फस गया? नहीं हुण कोई नहीं चल, किसे किस्म दी नहीं चल रही। पर जदों चल रही सी, पर उह अड़का की जिहड़ा हैगा? नहीं मेरे नाल किसे दी गल नहीं होई, साडे नाल आम बंदे उहीं बेचारे उठ के अपने आप ही गल्लां चलाई जांदे सीगे, ते मेरे वल्लों नहीं। मैं तां हुण मीटिंग कीती सी, 4-5 दिन हो गए, उह दिन कह दित्ता कि कोई भी बंदा मेरी नॉलेज तों बिना कोई किसे नाल गल नहीं करूगा। उस तो बाद चुप है सारे। अज पंजाब दा पोलिटिकल सिनेरियो किवें देखदे हो? तुसीं पुराने लीडर हो, तुहानूं की लगदा है कि अज पंजाब दी स्थिति की है? क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, जिस तरह अकाली दल दी है, जिस तरह आम आदमी पार्टी दी है, हुण तुसीं नाल गठजोड़ तैयार कीता वा, किवें देखदे हो पूरे सिनेरियो नूं? इक तां उरे असीं कोई गठजोड़ च नहीं, असीं तां इह है कि साडे असीं तां एजेंडा लै के चले हां, इक पंथक एजेंडा, जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दा असल सिद्धांत सी, जिस इशू लई बनिया सी श्रोमणी अकाली दल, उहनूं सुखबीर दे आउण तों बाद बिल्कुल ही उहनूं इक लांभे कर दित्ता। उह साडा इशू इह है कि कल्ला साडी सरकार नहीं है, जे सरकार होवे तां साडी ढोडे वाली गल है, फिर असीं तां किसे पासे भी तुर सकदे सी। नहीं, साडा मतलब सरकार नहीं है। नंबर दो, तुसीं बिल्कुल बराड़ साहब मेरे नाल, तुसीं बहुत लोकां नाल वाह पैंदा, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਖੱਡਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਕਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ।